मुझे याद है सना, सना आपके पास स्क्रिप्ट कैसा है? मुझे जब शूट स्टार्ट होने लगी थी उससे 4 दिन पहले मैं कास्ट हुई हूँ, उस वक्त शूट स्टार्ट हो चुकी थी. ओके, बाकी बहनों का स्टार्ट हो चुका, सबका हो गया था. और मुझे जियो से कॉल आया, उन्होंने कहा एक कैरेक्टर है, मन्नत मुराद ड्रामा है, छोटी बहन का. मैंने कहा ठीक है. तो वैसे मीटिंग्स जो आपकी होती हैं वो ऑफिस में होती हैं, तो मुझे बोला आप ना वैनिटी मैन में आ जाए. ओके, चाय फैसल पे गई, तो कहीं उनकी शूट चल रही थी. तो खैर मैं वहाँ गई तो मैं नर्वस बहुत, क्योंकि पहली दफ़ा शूट भी चल रही है, वजाहत हुसैन, मतलब 2 साल हुए हैं मुझे, और मेरी बहुत बड़ी बात थी है. मैं खैर तैयार होके गई, बैठी वहाँ, तो उनका सीन चल रहा था, तो वो वेट मुझसे ख़त्म नहीं हो रहा था वो 10 मिनट का. मैंने कहा मैं क्या बात करूँगी. फिर अगर उन्होंने स्क्रिप्ट दे दी मुझे कि करो, मैंने कहा अब मैं, मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, चल रही हैं. कुछ नहीं, वजाहत भाई आए, उन्होंने बोला ये कैरेक्टर है और ये है वो, ये कपड़े हैं, और 4 दिन बाद पेस्टल कलर्स हैं और शलवार कमीज है, छोटी हो, और हमारी वॉल इस तरह की है, मतलब अगर आपकी वॉल डार्क है या हवेली की कुछ रखी है तो आप पेस्टल पहनोगी. ओके, ठीक है. सबके अलग अलग वो जा रहे डिटेल में कि छोटा प्रिंट आप पहनोगी, बड़ा प्रिंट नुदरत पहनेगी, बड़ा प्रिंट, तो आप पेस्टल पहनोगी, आप डार्क कलर पे नहीं जाओगी, डार्क कलर में किसी और को दे रहा हूँ. तो सबको कलर पैलेट्स दिए गए थे. फिर मैं गई, अब मैं वहाँ से, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कहा आप चले बस 4 दिन बाद आ जाएगा, डन. मैंने कहा एक सेकंड, मैंने कहा या तो मैं घर जाऊंगी और मुझे बोला जाएगा सॉरी वो शूट डिले हो गई है और हम अगले साल सोच रहे हैं क्या करने को, और फिर मैं देखूंगी उसको 3 महीने बाद आने कोई और में. कोई और. तो मैं आ गई, मैंने कहा नहीं 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 ये नहीं हो सकता. मैंने कहा ना, मतलब उन्होंने ऑडिशन लिया ना कुछ लिया, मतलब इस तरह कैसे कास्ट कर लिया. खैर मुझे पता ही नहीं, 3 दिन बाद AD का मेरे पास मैसेज आ गया कॉल टाइम का, और वार्डरोब मेरे पास आधा आधा नहीं. मैंने वजाज भाई को कॉल किया, मैं गल्फ भागी मार्केट और मैंने वजाज भाई को वीडियो कॉल पे ले लिया. मैं मिली नहीं हूँ उनसे अभी तक, मतलब एक दफा मैंने उनको बोला, मैंने कहा कौन सा पेस्टल छोटा प्रिंट, और मैं उनको दिखा रही हूँ वो शूट कर रहे हैं. नहीं नहीं बेटा ये हाँ ठीक है, ये ठीक है. मैंने फ़ोन रखा, मैंने कहा सना जल्दी से कपड़े बनाओ. अब मैंने अपना पूरा वार्डरोब तैयार कर दिया, कुछ कुर्तों के पास मेरे पास कलरफुल शलवारें नहीं थी. तो अब मैं वहाँ गई तो वजाहत भाई मुझे देख रहे हैं कि अच्छा इस पे इसने ब्लैक पहन लिया, अच्छा इस पे इसने वाइट पहन लिया, इस पे इसने बेज पहन लिया, अच्छा. तो अब उनको समझ नहीं आया, उन्होंने ना AD को बुलाया, वो लड़की थी, कहते इधर आओ आप. वो आई, कहते जाओ सामने तारिक रोड है, जाके 6 शलवारें लेकर आओ जिस रंग की उसके कपड़े, और शूट चल रहा था, और कहते हैं जाओ और 1 घंटे का टाइम है सिलवा कर भी आओ. ओह माय गॉड. और मैं खड़ी भी, मैंने कहा मैं अब क्या करूँ, अब शलवारें सिलसिल के आ रही हैं. मतलब वो जाने नहीं देते कि अच्छा ठीक है, नहीं नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं. नहीं, अगर आप भी नहीं कर पा रहे हो या आपके पास, आप शूट पे हो और आपको उनको समझ आ रहा है कि आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, तो वो ऐसे कर देंगे आपकी मुश्किल एकदम हल. That is so nice of him कि उन्होंने ना आपको प्रेशर में डाला, ना डांटा, ना क्वेश्चन किया कि जब मैंने बोला था तो क्यों नहीं हुआ. नहीं, he arranged for it. मुझे इतना अच्छा लग रहा है. आई एम थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दीज डिटेल्स, बिकॉज ये सब चीज़ें दिखाती हैं, बताती हैं कि हमारी प्रोडक्शन जो है अब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल और ज़्यादा मैच्योर होती जा रही है. क्योंकि हम लोग इस साइड पे बैठे होते हैं ना, हमें नहीं पता होता आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, आप लोग क्या करें, आप लोग कितनी मेहनत करें. ये तो मैंने अब जब सेट्स पे जाना शुरू किया तो आई हैव न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर यू गाइस के ओ माई गुडनेस कितना रगड़ा है, और कितना वो जितना ग्लैमरस लगता है ना उसका कोई 20-2% भी नहीं है, कितना खचल खुआरी का काम है. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दीज डिटेल्स. आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, आपके साथ कुछ और जो आप शेयर नहीं? माही ऑफ कोर्स साथ साथ जाके तारिक रोड के पास ही हम लोग शूट कर रहे थे, तो जा के चीज़ें ले आती थी. मैं बजाज की डिटेल्स के बारे में अगेन डिस्कस करना चाहूँगी. आप सेट पे गए, मैं अपने सेट जो पहली दफ़ा देखा तो मैं कह रही हूँ कि कितने पहले से घर में बुला लिया. उनका नहीं जी, इसको करवाया गया है. जहाँ पे आप बैठी होंगी सपोजिटली, यहाँ पे आप बैठ के TV देखते हैं, तो यहाँ पे आपका सर होगा तो वहाँ पे ऑयल का एक पैच, कि आप मैली हैं तो आप तेल लगा के टेक लगा के देखती होंगी, तो यहाँ पे ऑयल का पैच लगवा रहा है. मैंने तो सोचा भी नहीं. फिर वो बच्ची है मेरी उस एज की जिस एज में बच्चे दीवारों पे लिखते हैं, तो वो पेंसिल से उन्होंने दीवारों पे बच्चों की पेंटिंग्स
बनवाई जो तो आई वाज लाइक ओके पहले ऐसा नहीं होता था बट कितना अच्छा भी लगता है ना और आपका भी और दिल चाहता है कि यार अगर हमारे डायरेक्टर ने इतनी एफर्ट की प्रोडक्शन ने इतनी एफर्ट की तो हम उससे भी ज्यादा डबल करें वो अटैचमेंट ज्यादा हो जाती है डायरेक्टर से कोई सेट पे इंटरेस्टिंग वाकया हुआ जो शेयर कर सकते हैं कोई मजे का कोई फनी कोई हैरानी वाला हमारे सीन ज्यादातर किचन में होते थे जब ये हमारे घर आती थी अपने शौहर को लेके जो बहुत अनोइंग है वो जब आती थी तो हम किचन में ज्यादातर होते थे अब एक सीन में हम चावल साफ़ कर रहे हैं दूसरे सीन में हम दाल साफ कर रहे हैं तीसरी सीन में हम बाहर बैठ के सब्जी काट रहे हैं तो फायजा जी और मेरा क्या होता था तो चलो चलो सीन का गैप है जाके कुछ पका लेते हैं अब घर में थोड़ी सी काली मिर्च नमक चाट मसाला चावल भिगवाए ना मुझसे तो मैंने कहा यार आई एम फ्रॉम दैट फैमिली के रिस्क ज़ाया होगा तो जाहिर है प्रॉप्स के लिए आपने सब्जी काटी है प्रॉप्स के लिए आपने चावल भिगोए हैं सीन में तो मैंने कहा अब तो बहन ये ज़ाया होंगे लेट्स डू समथिंग उधर ही खड़े खड़े पका दिया और सब आवाज़ें लग गई फायजा सना दोस्त बन रहा है तो क्या क्या बनाया आप लोगों ने चावल और फायजा जी मैं उनकी हेल्पर थी अच्छा उनको मैं चीज़ें ढूंढ ढूंढ के देती थी बनाती वो कुछ भी उनके हाथ में आता था वो बनाती थी कितना मज़े का होता था वो थैंक यू तो इतने मज़े की कहानी है तो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं गई थी कि यू वुड एक्चुअली कुक एट द सेट कि और कुछ नहीं चलो खाना ज़ाया नहीं हो अच्छा जो घर में ये चारों बहनें हैं और अम्मा भी जो है वैसे तो एक तो मुझे बड़ी मज़े की चीज़ लगती है कि एक जो कुछ चीज़ें इस ड्रामे ने इतनी अच्छी डिपिक्ट की हमारे फैमिली सिस्टम की हमारे कल्चर की सुबह एक कोई चीज़ हुई तो पहले एक बहन ने अम्मा को कॉल की फिर दूसरी ने कॉल की फिर आपस में भी यू नो कॉल नहीं हुई तो नुदरत और इतरत लगी हुई है उनकी जब वो नुदरत घर जाती है तो वहाँ भी दोनों की ना चाय बनाते हुए लगी हुई वो मुझे लगता है वो इतना एटलीस्ट मैंने अपने आस पास ये होते हुए देखा है ये इतनी रिप्रेजेंटेशन है हम लोग हमारे यहाँ तो यही होता है कि पहले एक की कॉल गई अम्मा को फिर दूसरे फिर आपस में भी हम बहनों ने डिस्कस किया कि बात हुई अम्मा से बात करके फिर डिस्कस किया अम्मी ने ये बोला था यू नो अम्मी जी आपको क्या बोला था खास तौर पे ये जो शादीशुदा घरेलू बहनें होती है ना उनकी तो दो दो घंटे की तीन तीन घंटे की कॉल्स होती हैं अब वो अब खत्म हो गई है डिस्टिंक्शन शादीशुदा और ना शादीशुदा अब तो बस ये होता है कि अम्मा ने क्या बोला और बहनों ने आपस में क्या और सब तो वो जो तज्जिया होता है ना वो मुझे जो यहाँ नजर आ रहा है कि पहले यू नो इतरत ने कॉल करके बताया फिर नुदरत की और अच्छा उनके एजेंडा भी है दोनों के ना कि अम्मा को बताना है ओह ये बात हो गई है नाउ वी हैव टू कॉल एंड इधर वी हैव टू गो एंड टेल हर तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंटेशन लगी जो जैसे हम लोग कह रहे हैं कि सब जगह बात होती है इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम टॉक्सिक क्योंकि मैं उसको दिमाग में डाल रही हूँ कि तुम्हारा फैसल ट्रू सो वो एक बहनें एजेंडा बनाती हैं फिर किसी एक को टारगेट करती है वो नॉट मी एट टाइम्स She's the sweetest. आप इतनी शरीफ नहीं है चुप रहती है आप बस